सीता राम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास, मेन रोड मोड़। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रॉपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें। अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं। अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें। कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। हाथरस में बिजली विभाग की घोर लापरवाही की भेंट चढ़ गया संविदा कर्मी। शटडाउन लेकर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के दौरान करंट आने से कर्मचारी पोल पर ही चिपक गया और वहीं दर्दनाक मौत हो गई। घंटों बाद ग्रामीणों ने खुद शव को खंभे से उतारा। मौत की खबर के बाद परिजनों में रोष है। पुलिस ने लोगों को शांत किया मगर परिजनों को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। आपको बता दें कि यह दिल दहला देने वाली घटना थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन के नगलाबेर गाँव की है। बताया गया है कि मिर्जापुर निवासी जितेंद्र बिजली विभाग में संविदा पर काम करता था। बुधवार शाम को वह शटडाउन SSO से लेकर बैर गांव में हाई टेंशन लाइन पर लगे छोटे ट्रांसफार्मर के फ्यूज को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ गया। उसने जैसे ही खंभे पर चढ़कर ट्रांसफार्मर की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसको बिजली ने पकड़ लिया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। यह देख लोगों की भीड़ मौके पर ही जमा हो गई। खंभे पर ही छटपटाते हुए उसने दम तोड़ दिया। घंटों बाद उसको पोल से नीचे उतारा मगर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हादसे की सूचना के बाद उसके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। शव को वहीं पर रखकर परिजन हंगामा करने लगे और बिजली विभाग के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया क्योंकि फ्यूज लगाने के लिए मृतक ने लाइन को बंद कराया था लेकिन लाइन में करंट आ गया और उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई जिनसे गुस्साए लोगों को जैसे तैसे शांत किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया है कि देर रात कुछ विभाग के अधिकारी पहुंचे और मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देने का भरोसा दिया मगर दिया नहीं गया। अब परिजनों को अपने बेटे को खो देने का गम और सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता की आस सता रही है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तेजवीर। क्या नाम है? तेजवीर। तेजवीर सिंह आपका बेटा ही? हाँ जी, खत्म हो गया। हाँ जितेंद्र। तो आपको सब उनकी विभाग की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह मिला है आपको? कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला है। ये प्रधान जी तो कह रहे हैं 5 लाख का चेक मिला है। कहाँ, कुछ नहीं, चेक तो उनके पास है। अभी दिया नहीं आपको चेक? चेक नहीं दिया। अच्छा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? हमें ना मालूम था करो का ना करो। तो क्या 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 चाहते हैं आप? और देख बहुत बताओ क्या करेंगे। नहीं, मुआवजा मिलना चाहिए आपको। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए। तो उन्होंने खाली भरोसा दिया आपको? हाँ भरोसा दिया है। दिया नहीं है चेक? अभी चेक नहीं दिया। आपका बेटा संविदा कर्मी था? हाँ जी। तो विभाग की लापरवाही सिट डाउन लेने के बाद इस लाइन चालू कर दी है, ऐसा कुछ रहा है? हाँ। हाथरस में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। सिट डाउन लेने के बाद विद्युत सप्लाई ठीक करने के लिए खम्भे पर चढ़ा तो लाइन में करंट आने से उसके चिपक कर मौत हो गई। इस मौत की खबर के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और विरोध जताते हुए उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद थाना हाथरस जंक्शन पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और मृतक परिजनों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जबकि परिजनों का आरोप है कि विद्युत विभाग के SSO की घोर लापरवाही है, जब शटडाउन ले लिया तो विद्युत सप्लाई चालू कैसे हो गई। अब उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का सता रहा है कि मृतक के परिजनों का भरण पोषण कैसे होगा। वह चाहते हैं कि सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनको अधिक जल्दी से जल्दी मिले ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो और SSO के खिलाफ कार्रवाई हो। न्यूज 30 एक्सप्रेस के लिए विष्णु कुमार हाथरस से।